हेलो गाइस, वेलकम टू आवर माय यूट्यूब चैनल। तो हर बार की तरह इस बार भी मैं खेल रहा हूँ क्लैश स्क्वाड रैंक, जो हमारा स्क्वाड है। तो चलिए गेम को स्टार्ट होने देते हैं और देखते हैं इस मैच में बुआ हो पाता है या नहीं। तो हमारा मैच स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले G18 परचेस कर लेता हूँ और देखता हूँ आगे क्या होता है। यहाँ पे सबसे पहले विजय के मैं पीछे जाता हूँ, क्योंकि ये सेट बंदे थे तो टावर के पास बंदे हैं और एक बंदे बंदे देखते। तो यहाँ पर विजय ने एक बंदे को नॉक करता है और हुकुम मार के यहाँ पर बैठ जाता है। एक बंदे पीछे साइड जा रहा था, उसको मैं अच्छे से डैमेज देता हूँ, अच्छे से उसका नॉक हो जाता है, वो बैठ देता हूँ, नॉक हो जाता है और ये बंदा मेरे को पीछे से आकर नॉक कर देता है। यहाँ पर मैं नॉक हो जाता हूँ, बाकी हमारे टीममेट को भी इसने नॉक कर दिया है विजय, और सबको नॉक कर कर पहला राउंड ये जीत चुका है। तो चलिए दूसरा राउंड की ओर चलते हैं और देखते हैं कि दूसरा राउंड में कौन विक्टर बनता है। यहाँ पर सबसे पहले मैं MP5 ले लिया, कि ज़्यादा क्वाइन नहीं था मेरे पास, तो यहाँ पर मतलब डॉलर ज़्यादा नहीं था, तो यहाँ पर ये MP5 के लिए डॉलर था, तो MP5 ले लेता हूँ और चलते हैं फाइट लेने के लिए। तो यहाँ पर ये देखते हैं क्या होता है आगे। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा सेटिंग प्रॉब्लम था, तो यहाँ पर सेटिंग कर लिया हूँ और आगे चलते हैं। तो यहाँ पर एक बंदा हमारा नॉक हो चुका है विजय, तो इसको रिवाइव देने की कोशिश करूँगा, लेकिन रिवाइव तो हो नहीं पाया वो, फिर बंदा है तो पीछे साइड बंदा आ चुका था। तो चलिए सबसे पहले पीछे साइड जाते हैं, यहाँ पर दो बंदा आ चुका है, इसको 126 का हेड लगता है, लेकिन ये कवर में चल जाता है, दूसरा बंदा आता है, दोनों मिलकर मेरे को नॉक कर देता है। और तो यहाँ पर तीन बंदा आ जाता है उसका, और यहाँ पर मैं नॉक हो जाता हूँ, और यहाँ पर दो बंदा और हम लोग का बचा हुआ था। तो देखिए ये लोग चिकन मतलब ये लोग बुआ दिलाते हैं या नहीं, मतलब विक्ट्री कराता है कि नहीं ये राउंड। यहाँ पर 158 का ये शूट मारा था, इसलिए उसका भी दो बंदा बचा हुआ और मैं लोग का भी दो बंदा। तो यहाँ पर इस सरकार लॉन्ग रेंज का गन से फाइट ले रहा है। यहाँ पे जोन भी आ चुका है, सबसे पहले जोन में जाना ज़रूरी है। और यहाँ पर इसका हेल्थ बहुत ही घट चुका है, 30 का HP आ गया था। यहाँ पर नॉक कर देता है थॉमसन को, सरकार भाई को थॉमसन से नॉक कर देता है, मिस्टर आदित मेरा 15% बैटिंग चार्ज होती है। यहाँ पर मिस्टर आदित रोनाल्डो लगाकर दोनों को नॉक कर देता है डेजर्ट ईगल से, 90-90 का डैमेज देकर। रोनाल्डो का फ़ायदा यही है। यहाँ पर ही मेरे पास $1600 है, तो यहाँ पर ही मैं फिर से MP5 लेने की कोशिश करूँगी और हेलमेट, तो हेलमेट तो नहीं लिया हूँ, तो चलिए MP5 से ही फाइट लूँगा विदाउट हेलमेट विदाउट वेस्ट का। देखते हैं ये राउंड में क्या होता है आगे, हारता हूँ या जीतता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा नेड आ रहा था ऊपर से, तो यहाँ पर थोड़ा देर वेट कर लेता, उसके बाद फिर चलते ऊपर साइड। यहाँ पर चलते सबसे पहले ऊपर, हमारा बंदा फाइट ले चुका था, तो एक बंदे को नॉक कर दिया यहाँ पर, तो मैं भी इसका पीछे पीछे जाता हूँ। यहाँ पर एक बंदा आ गया, यहाँ पर गौरव भाई को नॉक कर दिया उस बंदे ने, तो यहाँ पर मेरा हेल्थ पूरा घट चुका था, तो मुझे पीछे आकर हेल्थ अपना यूज़ करता हूँ, उसके बाद फिर गौरव भाई को भी देखता हूँ बचाने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पर गौरव भाई को पूरा तरह से ख़त्म कर देता है, तो यहाँ पर मेरे को थॉमसन मिल जाता है, यहाँ पर थॉमसन उठाकर फिर से फाइट लेने की लिए आ जाता है। 130 का हेड लगा था, तभी ये बंदा नॉक नहीं हो पाया।
तो उसने मेरे को नॉक कर दिया। तो यहाँ पर मात्र एक बंदा में हम लोग का बचा हुआ है शेरी आदित्य, उसने विक्ट्री दिला दिया हम लोग को। चलिए सेकंड राउंड की ओर चलते हैं। सेकंड राउंड तो जीत चुके हैं, थर्ड राउंड की ओर चलते हैं, देखते हैं थर्ड राउंड में क्या होता है। तो यहाँ पर हमारे पास तो गन तो था ही, तो यहाँ पर वेस्ट ले लेता हूँ और दो ग्लोबल ले लेता हूँ और एक मशरूम खा लिया। तो हर बार की तरह इस बार भी मैं विजय के पीछे पीछे चल जा रहा था। देखता हूँ बंदा कौन साइड से आता है। तो विजय बोल रहा था कि बंदा ये साइड से आएगा, लेकिन बंदा ये साइड था ही नहीं। तो चलिए वो साइड चलते हैं और बंदा को ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पर बंदा तो दिख ही नहीं रहा था पूरा में, लगता है बंदा छुप चुका है। यहाँ पर आगे साइड बंदा है 3 नंबर के पास, यहाँ पर बंदा आ चुका है मेरे पास। यहाँ पर सबसे पहले बंदा को नॉक करने की कोशिश करता है और बंदा नॉक भी हो जाता है। यहाँ पर आलोक मारता हूँ सबसे पहले और बंदा को पूरी तरह से किल सेपरेट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आलोक मारकर हेल्थ बढ़ाता है। तो यहाँ पर फिर वैक्ट्री हो जाता है, मात्र एक ही किल कर पाता हूँ यहाँ पर ही, और वैक्ट्री यहाँ पर हो जाता है हमारा। तो यहाँ पर ग्लोबल था लेकिन उठा नहीं पाया। तो चलिए लास्ट राउंड के लिए, इस राउंड में देखता हूँ कौन जीत पाता है। लग रहा है इस राउंड में भी हमें लोग जीत पाऊंगा, मतलब जीत जीत। तो यहाँ पर मेरे को MP40 मिल जाता है जो नशेड़ी आदि मेरे को दिखता है। MP40 के लिए मेरे पास ज़्यादा डॉलर था ही नहीं MP40 के लिए, तो उसने ड्रॉप किया MP40। तो चलिए नहीं, मेरे पास डॉलर था ही तब भी वो दिया, तब तो उठा लेता हूँ मैं। और यहाँ पर $2000 अभी भी मेरा बचा हुआ है। छोड़िए चलते हैं आगे आगे तरफ, देखते हैं बंदा किल हो पाता है या नहीं। यहाँ पे बंदा फिर से नहीं दिख रहा था। तो आगे साइड बंदा था जो सरकार भाई को, मतलब सरकार भाई उसको डैमेज दिया है। तो यहाँ पर 2 बंदा ख़त्म हो चुका है और 2 बंदा बचा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले एक बंदा ये साइड भागा है, तो चलिए इसको मैं नॉक करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर 3 बंदा हम लोग एक साथ भाई, ये तो ग्लोबल ही मार दे रहा फटाफट। यहाँ पर आदित्य भाई ने उस बंदे को नॉक कर दिया और एक बंदा का खोज करते हैं। चलिए देखते हैं एक बंदा किधर गया है, बहुत मार रहा था ये लोग हम लोग को, देखो नानी या तिलाना जरूरी था। तो यहाँ पर लग रहा है इस मैच में हम लोग गुया ले पाऊंगा, सच में ही गुया ले पाऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट राउंड की ओर देखते हैं, नेक्स्ट राउंड में गुया ले पाते हैं या नहीं। तो 3 दिन से ही हम कोशिश कर रहे थे कि गुया वाला वीडियो डालें, आज गुया कंप्लीट हुआ है। कल तक मैं क्लासिक में भी गुया वाला वीडियो डाल दूंगा, मतलब कोशिश करूंगा लाने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते थे। यहाँ पर हम लोग, मेरा 2 किल था, सरकार भाई का 5 किल, आदित्य भाई का 6 किल, विजय का 3 किल। तो चलिए नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं और इस मैच में भी देखते हैं बुआ हो पाता है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्लेम कर लेता हूँ और स्टार्ट कर देता हूँ मैच। तो इस मैच में भी आ गया हूँ और यहाँ पर G18 को परचेज कर लेता हूँ और बंदे को मारूँगा। अरे भाई वो बाबा इतना खतरनाक। यहाँ पर बंद चलते हैं सब, चारों एक साथ चलेंगे हम लोग। यहाँ पर आगे साइड बनते थे और एक बंदे यहाँ पर ही छत के ऊपर गया है। तो चलिए पहले इसको मारो इसको उनके मारो। तो यहाँ पर रोनाल्डो मारते हुए आदित्य भाई, तो चलिए रोनाल्डो के अंदर थोड़ा देर वेट करते हैं। यहाँ पर डैमेज दिया है लेकिन नॉक नहीं हुआ। तो सब चलिए सबसे पहले यहाँ से मैं
कूद कर जाता हूँ पीछे। अब पीछे साइड बंदे थे हमारा, यहाँ पर ही पीछे बंदा है, तो चलिए इसको मार सकते हैं। बंदा नॉक हो जाता है और नीचे भी गिर जाता है। मजा आया बाबू, हार मारोगे मेरे को? समझा लो अपनी टीममेट को, इतना मजा मार। यहाँ पर ये घर के साइड बंदा है, चलिए लोगों से पता चल गया बंदा ये साइड घूम के आ रहा है। यहाँ पर नॉक करते हैं भाई, बंदा तो अपने खुद को एलिमिनेट होने चला गया। तो चलिए एलिमिनेट हो या जो भी हो, खुदकुशी करे या फांसी में लटक जाए, मेरे को तो जीतने से मतलब है। तो यहाँ पर ही पहला राउंड मैं लोग जीत जाता हूँ। तो चलिए यहाँ पर MP5 ले लेते हैं, ज़्यादा डॉलर इस बार भी नहीं है। यहाँ पर ही सबसे पहले मैं MP5 लेता हूँ, उसके बाद फिर हर बार की तरह इस बार भी आगे देखता हूँ क्या होता है। तो यहाँ पर ही आदित्य भाई भी MP5 लेते हुए, और सबका तो मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि लोगों को देखा नहीं वो कौन कौन परचेस किया है। यहाँ पर ही चलते आदित्य का पीछे पीछे, देखते हैं क्या होता है आगे। यहाँ पर ही बंदे आ रहे थे इस साइड से ग्लोबल मारकर, तो चलिए हमारे दो बंदे को ये लोग नॉक कर देते हैं। सबसे पहले ग्लोबल को भी बंदे को किल सेपरेट हो जाता है। यहाँ पर भी बंदा आता है जिसको मैं नॉक करने की कोशिश करता हूँ, नॉक हो जाता है। अब मेरे पास हेल्थ रहता नहीं है, तो यहाँ पर आदित्य भाई को भी नॉक कर देता है। अब मेरे पास हेल्थ था ही नहीं, तो यहाँ पर सबसे पहले हेल्थ यूज़ करता हूँ, मतलब उसको रिवाइव करता हूँ। और यहाँ पर दो बंदे को मैंने नॉक किया था, तो एक बंदा रिवाइव हो चुका है। या फिर आदि बंदे फिर से नॉक कर देता है, तो मैंने भी उसको नॉक कर दिया। यहाँ पर दूसरा बंदा जो आ रहा था, उसको पहले में जो नॉक किया था, उस बंदे ने मेरे को डेजर्ट ईगल से ख़त्म कर देता है। यहाँ पर एक एक की बराबरी पर और राउंड, तो चलिए यहाँ पर तीसरा राउंड में देखते हैं कौन जीतता है। इस बार तो चीर फाड़ दूंगा, बहुत मारा था मैं भी इस लोग को मारा, लेकिन वो लोग भी नहीं सुधरा, मारते ही रह गया। यहाँ पर सबसे पहले बाइक का हेलमेट को ले लेता हूँ, नहीं बाइक का तो नहीं है, BCCL हेलमेट है इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हेलमेट ले के लेता हूँ। वेस्ट के लिए तो मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन $100 था ही। तो यहाँ पर सरकार भाई को डैमेज मिला है अच्छा खासा। तो ये साइड से बंदे आया, तो उनके पीछे बंदे हैं, तो पीलक मेरे को अच्छा डैमेज दिया है। यहाँ लोग मारता हूँ विजय भाई, वो साइड से चलते थे उसको लॉक किए हैं। पहला किल, तो यहाँ पर विजय भाई नॉक हो जाता है, तो उसको मैं 17-17 का डैमेज देता हूँ। तो यहाँ पर 17-17 का डैमेज अच्छा देता हूँ। तो ग्लू वॉल लगा कर हेल्थ लगाता है, मैं इसको रिवाइव कर देता हूँ तब तक बीच में। तो इसमें क्या करता है कि बंदे को मैं मारने को चाहता हूँ, पीछे से दूसरा बंदा आकर मेरे को, तो यहाँ पर हम लोग का 2 पॉइंट हो गया और हम लोग का 1 पॉइंट। चलिए चौथा राउंड की और तरफ देखता हूँ इस राउंड में फिर क्या होता है। यहाँ पर सबसे पहले वेस्ट और हेलमेट परचेज कर लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर MP40 $2000 था, तो यहाँ पर MP40 परचेज करते हैं सबसे पहले और डायरेक्ट रश करेंगे यहाँ पर इस बार। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ देखता हूँ कितना किल होता है इस मैच में चौथा राउंड पर। यहाँ पर ही मैं यहाँ पर थोड़ा देर वेट करता हूँ और दोनों रश करने के लिए चल जाता है। और एक बंदा नीचे साइड से आता है, उसको आदित्य भाई मेरे को वो डैमेज देता है, लेकिन यहाँ नॉक नहीं हो पाते हैं, थोड़ा सा हेल्थ चीज घटा लेता। तो यहाँ पर चलते गौरव भाई ने गलत नॉक कर दिया, अरे कर रही है तो इसको मैं गौरव भाई को जो गौरव भाई इसको बहुत ही डैमेज दिया था, तो इसको मैं नॉक कर देता था। और गौरव भाई को रिवाइव चले जाता ही तब तक वो भी ख़त्म हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर ऊपर चलते हैं, देखते हैं ऊपर साइड बंदा है या नहीं। यहाँ पर ही ऊपर साइड देखता हूँ खोज करके बंदे। यहाँ पर एक बंदा नॉक ख़त्म था, डेड बॉडी कैरेट गिरा हुआ था। यहाँ पर ऊपर साइड से देख लेता हूँ बंदा है नहीं, तो चलते हैं नीचे क्योंकि ऊपर साइड पर बंदा है नहीं। तो चलिए नीचे साइड, यहाँ पर आदित्य भाई भी आ चुका है बंदे को खोजते हुए, क्योंकि बंदा ना नीचे है ना ऊपर है। तो बंदा ऊपर नहीं है तो नीचे ही हो सकता है, भाई मेरे को जितना से डैमेज मिला। तो यहाँ पर सरकार भाई उस बंदे को मार सकता है। यहाँ पर ही 2-2 को बराबरी में है,
तो यहाँ पर मेरा बैटरी का भी मैसेज आ चुका है कि 15% बैटरी आपका बचा, 10% सॉरी। तो यहाँ पर MP40 और MP5 है, तो यहाँ पर ये लेवल 3 का वेस्ट लेता हूँ, यहाँ लेवल 3 का वेस्ट ले लेता हूँ। और यहाँ मशरूम गिरा होता है तो चलिए पहले मशरूम को भी खा लेता हूँ और देखते हैं पाँचवा राउंड क्या होता आगे। चलिए पीछे पीछे सबका, यहाँ पर ग्लोबल गौरव को ग्लोबल चाहिए था, यहाँ पर गौरव को एक ग्लोबल दे देता हूँ। और पीछे साइड से डेजर्ट ईगल से जाते हैं काट लेने के लिए। तो यहाँ पर ही हमारे दो बंदे, एक बंदे को नॉक कर देता है, नंबर 4 को सरकार भाई को नॉक कर देता है। तो यहाँ पर मैं ऊपर आ चुका हूँ, भागा है विजय पूरा किल करता है और विजय भाई भी यहाँ पर ही नॉक हो जाता है। यहाँ पर आगे भाई नीचे साइड तक चलते हैं, मैं भी नीचे जाता और यहाँ पर किलर के पास खड़ा था। तो यहाँ पर ही सबसे पहले मैं गौरव को गिरा देता हूँ। तो यहाँ पर आदि के पास दो बंदा है, आदित पूरा ही कम था तो आदित भाई भी नॉक हो जाता था। चलिए सबसे पहले आदित भाई के पास जाते हैं, कि वहाँ पर बंदा था दो, यहाँ पर बंदा रहता है। तो यहाँ पर मैं ऊपर से मारना था लेकिन मैं गलती से नीचे कूद जाता हूँ और हम भी जाता है और वो दोनों मिलकर मेरे को मार देता था। यहाँ पर विजय आता है पीछे से, एक नंबर विजय भाई, उसको मैं बताता हूँ कि बंदा यहाँ पर दो गो है ऊपर से ही तो फाइट लो, उसको भी मार देता है। तो यहाँ पर ही हम लोग दोनों नॉक हो जाते थे। यहाँ पर 2 और 3 का अच्छी चल रहा है पॉइंट में। तो चलिए ये लास्ट पॉइंट है उसके लिए, मेरे लिए एक पॉइंट और होगा अगर मैं जीते हुआ तो, अगर मैं अगेंस्ट टीम जीत गया तो इसके लिए लास्ट पॉइंट है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पर ही सबसे पहले MP40 और डेजर्ट ईगल ले लेता हूँ और वेस्ट हेलमेट तो नहीं लिया। लास्ट राउंड में देखते हैं इसमें क्या होता है। तो चलिए इसमें 4 किल किया है, सबसे ऊपर में मैं ही हूँ। तो यहाँ पर विजय भाई आगे जाता है तो हम इसके पीछे पीछे जाते हैं। तो यहाँ पर आदित बोलता है कि मेरे साइड आओ, इस साइड से चलते हैं, इस साइड बंदे सारे हैं। तो चलते हैं हम आदित भाई के साइड, बाकी में उधर साइड सारा बंदा था। तो यहाँ पर नेट फेंकता है बंदा, तो यहाँ पर मैं पीछे हट जाता हूँ और यहाँ पर आदित फाइट ले लेता है बंदे को, बगल से बंदा विजय को नेट फेंक कर इन लोगों ने आदित भाई को भी एक बंदा साइड से आया नॉक कर दिया। तो यहाँ पर एक ही बंदा होता है हमारा सरकार भाई और उन लोगों वो भी कुछ नहीं कर पाया। चलिए आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट मैच के लिए मैं फिर से बुआ ट्राई करूँगा, इस बार क्लासिक में बुआ ट्राई करूँगा। तो यहाँ पर मैन ऑफ द MVP। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।